टक, क्या हाल चाल है सबके भाई। आज मैं फिर से बात करने जा रहा हूँ साउथ मूवीज के मस्त जबरदस्त सुपर डुपर एक्शन सीन्स के बारे में। वैसे तो लगभग इनकी हर एक मूवी में एक्शन तो होता ही है, पर कभी कभी इनके डायरेक्टर इतने ज्यादा सुपर एक्शन बना देते हैं कि किसी इंसानी हीरो के अंदर इतनी सुपर पावर्स का होना ऑडियंस को समझ में नहीं आता है, जिनको देखने के बाद उनके अंदर छुपा हुआ क्रिटिक ये कहता है ऐसे तो नहीं होता है। ये इतनी तूफानी हवा एक मुक्के में से कैसे निकल रही है? इतनी तेज स्पीड से तो चिरंजीवी जी मुक्का भी नहीं मार रहे, जितनी तेज स्पीड से इस मुक्के की हवा इस गुंडे के चेहरे पे लग रही है। बताओ, जैसे कोई तेज स्पीड में चल रही गाड़ी अपने साथ हवा का झोंका मारते हुए चलती है, वैसे ही मान लेते हैं कि चिरंजीवी जी के मुक्के में भी थोड़ा बहुत हवा का झोंका निकल गया। लेकिन एक्शन के नाम पे ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। ये हवा का झोंका इतना तेज है कि एक एयर ब्लोअर को भी फेल करते हुए गुंडों के चेहरे को उथल पुथल कर दे रहा है। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? एक्शन के नाम पे इस बंदे का कुछ सेकंड्स के लिए ही सही, पर प्रभास भाई ने इस गुंडे के टाइम को फ्रीज करके पहले तो दूसरे गुंडों को पेला, फिर कब से हवा में लटके हुए इस गुंडे को इस शराब से मुक्त करने के लिए मुक्का मार के फेंका। भाई आपने मूवीज में तीर तलवार और अलग अलग हथियारों से लोगों को लड़ते हो तो देखा होगा, पर वही पुराने घिसे पटे काम बार बार करके कभी कभी ये बोर हो जाते हैं और हथियारों से लड़ने के बजाय बाइक्स का इस्तेमाल करते हैं। मजाक है क्या? बस अब यही देखना बाकी रह गया था। भाई इनकी इतनी भी कैसे अटक गई थी कि ये हाथ पैर हथियार छोड़ के बाइक से उठा उठा के फेंकने लगे। ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। किसी भी मूवी में गुंडे को पटक के गाड़ी के बोनट के ऊपर मारना एक आम सी बात है, पर इस शाम को खास बनाता है सिनेमा में सिनेमा साउथ सिनेमा। जे आर एंटर भाई साहब ने इस गुंडे को पटक के तो चित किया ही, पर साथ ही साथ में इस बेचारी गाड़ी के चारों खानों के चारों टायरों को भी चित कर दिया, और ऐसा भयंकर चित किया कि गाड़ी का एक एक टायर बिना नट बोल्ट खुले ही उछल उछल के दौड़ा है। गुंडों की जायज और अपनी नाजायज तोड़फोड़ के बाद एक गाड़ी भी कहेगी। भाई गाड़ी तो गाड़ी, गुंडों की भी साउथ मूवीज में कोई खास वैल्यू नहीं है। साउथ की ज्यादातर मूवीज में गुंडों को किसी रबड़ की गेंद या फिर किसी फुटबॉल के समान समझा जाता है और लात मार के उसके टप्पे खिला के कहीं पे भी उसका गोल कर दिया जाता है। लात मार के गुंडों को फुटबॉल बनाना तो इनके लिए आम बात है, पर कभी कभी ये लोग लात मार के वक्त और जज्बा दोनों बदल लेते हैं। भाई हीरो ने गुंडे को लात मारी सड़क पे, लेकिन टाइम ट्रेवल करके ये लोग पहुंच गए एक बंगले में। गजब, ये एक किक में यहाँ पे कैसे पहुंच गए ये तो एक मिस्ट्री बन गई है, पर एक मिस्ट्री ये भी है कि लात तो सिर्फ एक गुंडे को पड़ रही है, लेकिन ये बाकी के दर्जनों गुंडे कैसे गिरे हैं? यही तो सोचने वाली बात है। भाई आपके पैर हार्ड मांस से बने हैं कि वाइब्रेनियम से? एक तो आग लगा हुआ लोहे का ड्रम और ऊपर से उसके अंदर एक 50-60 किलो के बंदे का वजन, पर भाई ने इतनी भारी और मजबूत चीज को अपने आप को हल्क समझ के इतनी आराम से दूर फेंक दिया जैसे कि बिल्कुल भी नहीं थी भारी, बल्कि ये इतना हल्का है जितनी हल्की होती है बच्चों के खिलौने वाली गाड़ी। सही बात है। प्रभास भाई ने तो फिर भी लात का इस्तेमाल किया है, पर अपने बालक जैसे भाई साहब तो बिना हाथ पैर लगाए ही लोगों को पीट देते हैं। इन भाई साहब ने एक हाथ में डंडा पकड़ा हुआ है, हाँ। तो इन भाई साहब ने बचे हुए एक हाथ से इन चार चार बंदों को हवा में कैसे उड़ा दिया पता नहीं। वैसे देखा जाए तो ये काम बेंटन का ये चार चार हाथों वाले एलियन कर सकता है, पर अपने बाला क्रिएशन तो इंसानी रूप में सुपरमैन है जो कि कुछ भी कैसे भी कर सकते हैं। बात तो सही है। मैंने सुना है कि समय को कोई भी रोक नहीं सकता, पर ये हीरो इन गुंडों को कौन सा काला जादू करके मार रहा है कि ये 0.25x की स्पीड पे उड़ने लग जा रहे हैं? पता नहीं। पहले एक बंदा हवा में अटका, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। भाई कैसे? लगता है जब इनके यहाँ लड़ाई होती है तो इनकी एक्शन की दुनिया की रैम कम होने की वजह से ये कभी कभी हैंग हो जाती है, जिसकी वजह से इनके बंदे हवा में हैंग हो जाते हैं। इसे कहते हैं एक तीर से तीन निशाने करना।
कुछ भी। एक मुक्का मार के भाई साहब ने बोतल और गुंडों को फोड़ा, और जब एक गुंडा हवा में उड़ा तो उसने दरवाजा तोड़ा, तो हो गए ना एक तीर से तीन निशाने। हाँ। पर अपने बालाजी तो ठहरे बालाजी, ये एक मुक्के से एक बंदा नहीं बल्कि एक मुक्के से चार चार गुंडों को बड़े आराम से हवा में उड़ा सकते हैं। अबे ये क्या था, ऐसे रिवर्स जंप कौन मारता है? लोग सामने की तरफ जंप मारते हैं, गुंडों को सामने की तरफ हवा में उछालते हैं, पर बालाजी पता नहीं कौन सी साइंस का इस्तेमाल करके रिवर्स जंप मार रहे हैं, वो भी अकेले नहीं बल्कि चार चार गुंडों को साथ में हवा में उछाल के। बाप रे, इतना वजन लेके तो एक कंगारू रिवर्स छोड़ो सीधी जंप ना मार पाए, पर ऐसे ऐसे अद्भुत एक्शन करके बालाजी तो कंगारुओं को भी मात दे रहे हैं। भाई की इज्जत डुबा दी है। तोबा। इनका मुक्का इतना पावरफुल है कि अगर अपना मुक्का किसी गुंडे के चेहरे के ऊपर मारे तो उसके चेहरे की हड्डियां नहीं टूटेंगी बल्कि अंदरूनी मांसपेशियां फट जाएंगी और उसकी आंखों के समुद्र में खून की नदियां भर जाएंगी जो कि उस बंदे को चलता फिरता ज़ॉम्बी बना देंगी। पर इनके यहाँ एक ऐसा भी हड्डी तोड़ हीरो है जो कि ऐसी हड्डी तोड़ता है कि बंदा उठता नहीं बल्कि हड्डियों का ढांचा बनके दुनिया से उड़ जाता है। भाई इस हीरो ने एक मुक्के में सच्चे वाले इंसान की हड्डियों के ढांचे को कबाड़ बना दिया। भाई शीशे से ज्यादा नाजुक तो उस बंदे की हड्डियां थी जो एक एक करके क्रैक होकर बिखर गई। अगर कोई डॉक्टर चाह कभी इन हड्डियों को जोड़ना चाहेगा तो वो कभी जोड़ नहीं पाएगा, उल्टा डर के मारे कांपते हुए उसके अंदर का नादान परिंदा यही चिल्लाएगा। ऐसे ऐसे पावरफुल सीन देखने के बाद कभी कभी लगता है कि ये बॉडी बिल्डर्स, रेसलर्स और फाइटर्स क्या हैं? कुछ भी नहीं, बिना कोई मेहनत, बिना कोई ट्रेनिंग, बिना कोई एक्सरसाइज किए ही जब साउथ के एक्टर्स के पास इतनी पावर है तो सोचो अगर ये गलती से एक्सरसाइज करने लग जाएंगे तो उनके अंदर इतनी पावर आ जाएगी कि ये तो सुपर हीरोज को भी फेल कर देंगे। कोई शक नहीं। तो चलो भी आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को पास करने के लिए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।